हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया आपितंकुर में। आज एसपीआई क्लर्क प्री में पैटर्न चेंज देखने को मिला है सब्जेक्ट का। अब इसका फायदा काफी सारे स्टूडेंट्स को जरूर होगा। पहले क्या होता था कि इंग्लिश का सब्जेक्ट सबसे पहले ओपन होता था, तो जब काफी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ये भी सोचते हैं कि क्वांट और रीजनिंग का क्या लेवल आया होगा, कहीं हमारे क्वांट और रीजनिंग में कम अटेम्प्ट ना रह जाएं। तो इस चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट कराते थे, और जब रीजनिंग और क्वांट में भी अच्छे अटेम्प्ट हो जाते थे तो सोचते थे कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट करके। अब क्या कर दिया है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट को लास्ट में रख दिया, पहले रीजनिंग, फिर क्वांट और फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट ओपन होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश के पहले आप रीजनिंग और क्वांट कर चुके हैं, आपके सामने रीजनिंग और क्वांट दोनों के अटेम्प्ट हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में कर देते थे उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग और क्वांट दोनों में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि अब इंग्लिश में भी हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तो जो रिस्क होता था इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट होने का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इस पैटर्न से। तो काफ़ी अच्छा चेंज है जो आज एसपीआई क्लर्क प्री में देखने को मिला है, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में भी यही पैटर्न आपको देखने को मिले। बाकी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं जो ये पैटर्न देखने को मिला है रीजनिंग क्वांट इंग्लिश का, ये आपको अच्छा लगा है या जो पहले पैटर्न था वो आपको बेहतर लगा था, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके टोटल अटेम्प्ट क्या हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट हुए हैं, और आपने एसपीआई क्लर्क किस स्टेट से अप्लाई किया था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।